वेलकम फ्रेंड्स टू इन्फिनिट ग्रीन एमटी यूट्यूब चैनल। तो देखिए फ्रेंड, आज जो हम क्रिसमस ट्री की जो मैं आपको प्रॉब्लम बताई भी थी, इसके पार्ट वन वाली वीडियो में ओवरव्यू की, अगर आपने नहीं देखी तो आप देख सकते हो, उसका आई बटन आपके राइट साइड में आ रहा होगा। और देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने क्या बताया था इस वीडियो में भी। देखिए मैंने कहा था कि इस चीज़ की जो देखिए आपको पिछले पीले पत्ते दिख रहे हैं, ग्रोथ बहुत ज़्यादा स्लो दिख रही है, उसका ये कारण है कि इसमें जो मिट्टी है वो ख़राब मिट्टी है, उसमें पानी बहुत देर तक रुका रहता है, मिट्टी में न्यूट्रिएंट्स की भी कमी है, और जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो माइनर नहीं मेजर हैं, और वो मिट्टी के अंदर है, वो इधर उधर की प्रॉब्लम्स नहीं है, या ड्रेनेज होल्स की है। मतलब देखिए जो भी मिट्टी मेनली मेरे को मिट्टी ही लगी थी प्रॉब्लम। और देखिए आज मैं आपको वीडियो में दिखाऊँगा अभी कि देखिए मैं क्या क्या करना है, कैसे करना है कि मैं अपने इस स्टेज के प्लांट को बचा सकें। देखिएगा बहुत पहले ही पहचान लिया कि प्लांट की मिट्टी ख़राब है तो बहुत ही अच्छा होगा, लेकिन कभी कभी हम लेट हो ही जाते हैं। ये देखिए ये सिर्फ पहले बता दूँ कि सिर्फ क्रिसमस ट्री के लिए नहीं है, हर एक वो प्लांट जिसकी मिट्टी ख़राब है, जिसकी मिट्टी की प्रॉब्लम है, तो उसके लिए है वीडियो। और मैं आपको बताऊँ कि ये हमें पता कैसे चलेगा, तो देखिए प्लांट की ग्रोथ सूख जाएगी, चार चार पाँच पाँच दिन यहाँ तक कि हफ्ता हफ्ता भी मिट्टी में एक बार पानी देने के बाद गीली रहेगी वो, चाहे तो बारिश भी ना हो, पानी भी ना दे उसके बाद भी, लेकिन पाँच पाँच दिन हफ्ता हफ्ता उसकी मिट्टी गीली रहेगी। और बाकी जो ऐसे इसके रीजन्स हैं तो देखिए फ्रेंड, सबसे पहले मैंने इसको पॉट से निकाल लिया और इसके रूट बॉल के आसपास से मिट्टी हटा दी। और देखिए अभी मैं वही करूँगा, इसकी रूट बॉल के आसपास से और भी मिट्टी हमें हटानी है, इतनी काफ़ी नहीं है। देखिए ऐसे ऐसे करके हम ध्यान से इसकी रूट बॉल से मिट्टी निकालेंगे। इसकी जड़ों में एक रेड कलर का जैसे आम के गिट्टे के अंदर उसका बीज निकलता है वैसे से कुछ स्ट्रक्चर होते हैं इसकी जड़ों में, तो हमें उससे सावधान रह के निकालना है बस। लेकिन हर प्लांट में स्कीम होता है, इसलिए ये मैं मेनली क्रिसमस ट्री के लिए कह रहा हूँ ना, और किसी प्लांट में करो तो आप उसमें ऐसा कोई स्ट्रक्चर ना होता हो तो आप उसको निकाल सकते हैं बड़े आसानी से, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। और मैं आपको बता दें इसका पता कैसे चलता है, तो उसमें ये भी कारण है कि इसके जो पत्ते भी पीले पड़ने लग जाएंगे और ग्रोथ रुक जाएगी। जैसे मैंने कहा जाओ, देखिए आप एक बार खुद देखिए प्लांट की हाइट जो मैंने आपको दिखाई दी अभी, ये प्लांट की हाइट कितनी ज़्यादा है, और मतलब मान देखिए प्लांट करीब तीन से चार फुट करीब है, और उसकी प्लांट की हाइट इतनी अच्छी है क्योंकि मतलब वो तो पहले से डेवलप्ड है। लेकिन देखिए इसके रूट बॉल कितना छोटा है, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। मतलब आपका मन में आए कि मतलब आपने ये हमने निकाल लिया और बाई चांस कोई और प्रॉब्लम आ रही हो, फिर हम क्या करें? तो देखिए इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आप ये भी इससे आपको पता चल सकता है कि ना रूट बॉल निकालें तो आप देख सकते हैं कि जैसे मैं जो है 6 इंच का गमला था, तो देखिए अगर पूरा अच्छे से रूट बाउंड हुआ होता ना तो मैं कह सकता था कि इसके में जो है मिट्टी की प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन बहुत ज़्यादा हद तक नहीं है, हल्की फुल्की तो चल जाएगी। लेकिन इसके रूट बॉल देखिए कितना छोटा है, अभी भी देखिए इससे इतनी मिट्टी निकाल रहा हूँ मैं, और लास्ट में बहुत सारी छोड़ भी दूंगा। मतलब देखिए मैं अराउंड 50-70% जो मिट्टी है रूट बॉल से वो निकाल लेनी है, जड़ें जो हैं इनको 30-40% छोड़ना है, बाकी सारी उससे मिट्टी निकाल लेनी है जड़ों से। देखिए मैं भी यही कर रहा हूँ, जड़ों से सारी मिट्टी जो है बाहर निकाल रहा हूँ। और इसमें देखिए फ्रेंड, आप हर प्लांट निकाल सकते हैं, मैंने पहले क्रोटोन में भी किया था। देखिए जब मैं क्रोटोन में सक्सेसफुल हुआ तभी मैंने आपको इसमें दिखाया, देखिए क्रोटोन में ऐसा नहीं हुआ था, क्योंकि देखिए प्लांट टू प्लांट भी वेरी कर जाते हैं बहुत बार, उसमें हुआ था कि उसके सारे पत्तों के मुँह नीचे हो गए थे, उसकी ग्रोथ स्टॉप हो गई थी। और देखिए एक दिन पत्तों के मुँह नीचे होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि देखिए मेरे को भी एक दिन मैंने कुछ नहीं किया, मैं क्या बोलता था वाटर की कमी हो या वाटर की कमी हो इसलिए उसके सारे पत्तों के मुँह नीचे हो गए हों, इसलिए मैं नेक्स्ट डे देखा तब भी उसके मुँह नीचे थे, तो देखिए मैंने फटाफट टाइमली ये कर दिया। और देखिए अगर आपने ये जल्दी पहचान लिया तो बहुत ही बढ़िया है, अगर जैसे मैं बता रहा हूँ इतनी ऐसे हाल तक आपका प्लांट पहुँच गया तो आपको ज़रूर करना है, अगर आपने नहीं किया तो आपका प्लांट डेड हो जाएगा। और ये भी मैं एक्सपीरियंस कर चुका हूँ, अगर आप एक पुरानी वीडियोस देखेंगे तो मेरे पास एक लेमन प्लांट भी था जिसमें मतलब फ्लावरिंग भी हुई थी और फ्रूटिंग भी, लेकिन क्या हुआ उस लेमन प्लांट की मिट्टी अच्छी नहीं थी और उसकी जो मिट्टी थी वो चिकनी थी। देखिए ये भी एक होता है, जब मिट्टी हल्की सी खोदेंगे ना ऊपर ऊपर के लेयर में तो नहीं कि वहाँ हम खाद डालते रहते हैं,
और मल्चिंग भी करते हैं, लेकिन थोड़ा आप मान लीजिए गमले के आधे करीब हिस्से में पहुँचेंगे तो आपको देखना होगा कि वहाँ की मिट्टी कैसी है। वो मिट्टी ज़्यादातर वो मिट्टी चिकनी ही होगी, अगर आपके प्लांट में वो प्रॉब्लम हो मिट्टी की। देखिए अगर वहाँ देखेंगे आपको वो मिट्टी भी चिकनी मिलेगी अपने पॉट में। मैं खोदा था लेमन प्लांट के पॉट में, लेकिन वो चिकनी मिट्टी मिली भी, लेकिन देखिए मैंने इसको नहीं किया इसलिए मेरे देखिए लेमन प्लांट जो है वो डेड हो गया। लेकिन आपको ये मिस्टेक नहीं करनी, देखिए जैसे मैंने फटाफट से काम क्रिसमस के कोल्टन दोनों में कर दिया, ऐसे आपको भी कर देना। देखिए अगला काम जो है वो है पॉट में होल ड्रेन हो ज़्यादा करना। जैसे देखिए इसमें एक ही था वो भी आधा सा ही खुला हुआ था। ये भी देखिए मैं कह रहा था इसकी ड्रेन होल्स भी हो सकती हैं। देखिए मैं क्या कर रहा हूँ इसमें कोई होल क्रिएट कर रहा हूँ। देखिए आप कोई भी जो शार्प एज वेल चीज हो जैसे कटर हो गया, सीजर्स हो गई या नाइफ हो गया, इनमें से देखिए ऐसे करके इसको गोल 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 घुमाना है। तब ज़्यादा प्रेशर रखेंगे तो वो गमला नीचे से टूट जाएगा। अब देखिए मैं ड्रेन होल्स कर बना दिए। अब जो मैं यूजुअल करते हैं वो करना है, यहाँ पे हमें पत्थर रखने हैं ड्रेन होल्स के ऊपर। देखिए मैं भी वही रख रहा हूँ। और फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और आप यहाँ तक देख रहे हैं तो लगी रही होगी, तो फ्रेंड्स प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी ऑन कर दें ताकि ऐसे नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो आते हैं आपको नोटिफिकेशन मिले, और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। तो देखिए फ्रेंड्स अब मैंने रेडीमेड मिट्टी मतलब पहले से बना के रखी हुई है, तो इसी मिट्टी को जो है गमले में डाल दूँ, और कोई मिट्टी मैं बना नहीं रहा क्योंकि मेरे पास बनी हुई है वरना बना सकते हैं। और मिट्टी कैसे बनानी है आपको नहीं पता तो आप देख सकते हो, उसका आई बटन आपके राइट साइड में आ रहा होगा, इस पर डिटेल वीडियो बनी थी। और देखिए मैं इसमें मिट्टी भर रहा हूँ बस, और कुछ नहीं कर रहा। देखिए मिट्टी में कभी कभी क्या होता है बनाने के बाद भी जो है कुछ पत्थर जैसे से मिट्टी के बन जाते हैं, उनको मैं ब्रेक कर देना है। इसे एक तो सबसे पहली बात है अगर उसमें सच में पत्थर होंगे तो अलग हो जाएंगे, मैं अपनी मिट्टी में पत्थर नहीं रखते। कुछ प्लांट्स होते हैं देखिए जिनकी मिट्टी में पत्थर रखे जाते हैं, लेकिन मेनली वो प्लांट्स में नहीं रखे जाते, उन जो होते हैं उनमें भी ना रखो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए आप पत्थर अवॉइड ही करें तब तक आपको अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा हर एक एक प्लांट का, उसके बाद आप यहाँ तो रख सकते हैं। और देखिए मैं हल्की सी छोट पतली सी खाद के लिए बिछा रहा हूँ, क्योंकि देखिए इसके ऊपर इसका रूट बॉल आएगा तो जैसे इसकी नई जड़ें हल्की जैसे कि जड़ें हल्की सी भी ग्रोथ लेंगी, हल्की सी भी मतलब थोड़ी फैलेंगी तभी उनको वो यहाँ पे आ जाएंगी, और उनको सबसे पहले खाद मिलेगी, उसके बाद खाद वाली मिट्टी मिलेगी नीचे की तरफ से। और इसलिए मैं देखिए ये कर रहा हूँ, बाकी इसका रूट बॉल बहुत ज़्यादा छोटा, इसमें रूट इतनी अच्छी डेवलप भी नहीं है। अब देखिए इसमें मैं मिट्टी भर रहा हूँ बस, और देखिए इसमें ऐसा कोई खास काम नहीं है, बस ऐसे छोटे मोटे से रह गए हैं मतलब, क्योंकि आपको वो भी देखने पड़ेंगे क्योंकि इसमें मैं एक दो अलग चीज़ें होंगी इसमें। और देखिए आपको मिट्टी बाद में नहीं बनानी, आप सोचिए पहले गमले की मिट्टी निकालूंगा फिर उस मिट्टी को बनाऊंगा फिर डालूंगा, तो ऐसा नहीं करना आपको। एक तो मैं बहुत ज़्यादा देता जो उसका टूट पड़ा उसको हवा में नहीं रखना, इसलिए उसको फटाफट से निकाल देना। और देखिए मैं यहाँ पे इसका जो है मिट्टी को भर दिया है रूट बॉल रख के। और देखिए मैं कह रहा था कि आपको जो है ये नहीं कहना पहले गमले से मिट्टी निकाली फिर उसको बनाया फिर यूज़ किया, तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। आपको जो करना है वो है अब ये ऐसा आपको मिट्टी आपने निकाली, आपने पहले दूसरी मिट्टी बना के रखनी, जो आपने मिट्टी निकाली उसको आपने 4-5-6 दिन या हो सके तो हफ्ता हफ्ता उसको धूप दिखानी है बहुत ज़्यादा, और उसको धूप दिखाने के बाद आप उसको जो है बनाएं अभी अच्छी धूप। देखिए इसमें मैंने मिट्टी भर दी है, और इसमें इसके एक मेन काम है वो है कटिंग। देखिए इसकी सारी जो है अच्छे से कटिंग कर देंगे, इसमें बहुत कम लीव हमें छोड़नी है क्योंकि देखिए एक तो वैसे ही रूट बॉल छोटा उसकी इतनी मतलब कह सकते हैं उसके इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, हिंदी में जो नॉर्मल वर्ड्स होते हैं उसमें बोलूँ तो उसकी इतनी बस की नहीं है कि इतना ज़्यादा छोटी सी रूट्स जो हैं अपने आप को भी संभालें, प्लांट को भी संभालें और इतनी ज़्यादा लीव्स को भी संभालें, तो फिर प्लांट डेड भी हो सकता है, इसलिए आपको ये करना होगा। और देखिए इसको हम ऐसे सारे बहुत सारे इसके लीव्स कट कर देंगे। देखिए जैसे मेरा क्रोटोन था उसमें मैंने 5-6 पत्ते छोड़े थे, इसमें मैं थोड़े से ही छोड़ूंगा, हम लीव्स रिमूव कर देंगे। और देखिए फिर इसकी वजह मैं अच्छे से कटिंग भी कर रहा हूँ, वैसे बहुत कम ही लीव्स हम छोड़ेंगे। और देखिए फ्रेंड आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि देखिए अगर आप शेयर करेंगे तभी फ्री नॉलेज लोगों के पास जाएगी, क्योंकि खराब मिट्टी और हर एक बिगनर को ऑलमोस्ट आती ही आती है,
तो देखिए इस वीडियो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करिए, ताकि इतनी अच्छी जो फ्री आपको नॉलेज मिल रही है यूट्यूब के थ्रू वो सबको मिल सके। और देखिए फ्रेंड्स, अब इसका एक और भी बात थी, इसको जो आपको आप पूरे दिन कभी भी नहीं, ऐसा नहीं कि कर सकती हैं, आपको इसको सुबह सुबह करना है या आपको इसको शाम को करना है। जैसे देखिए अभी जो मैं कर रहा हूँ, अभी सुबह 6 बजे के टाइम में किया था मैंने, इसमें लास्ट काम जो है वो है इसको पानी देना और इसको कम सनलाइट में रखना है, इसको 3 से 4 घंटे की सनलाइट प्रोवाइड करानी है और इसको पानी देना है। या तो आप जैसे मैं कहूँ 6 बजे के टाइम करें सुबह सुबह, फिर लास्ट आप 7 बजे तक भी कर सकते हैं। और इसके पहले अगर आपको करना हो तो आप फिर आपको लेट करना होगा, मतलब आप शाम को ले लीजिए, शाम को भी 6-7 बजे तक। और देखिए सूरज उगने से पहले या सूरज ढलने के बाद, लेकिन अंधेरे में नहीं, इन मैंने बिल्कुल सिंपल आपको बोलूँ तो सूरज उगने के बाद, और मतलब जब सूरज ना हो और अंधेरा भी ना हो, तब के टाइम पे आपको एक काम करना है। और थैंक यू फ्रेंड्स, अगर आपको गार्डनिंग से रिलेटेड कुछ भी चाहिए हो तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, डिटेल आप स्क्रीन पर आ रही होंगी। आपने लास्ट वीडियो में ज्वाइन की ऑफर देखी होगी, अगर आपने नहीं देखी तो वो भी देख सकते हैं, उसका आई बटन आपके राइट साइड में आ गया होगा। और देखिए मैं तो आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप ज्वाइन करिए जो वीडियो वो आप भी ऑफर दें और को भी दें, तो देखिए वो बहुत ही अफोर्डेबल ऑफर है जो वो है 50 रुपीज़ से 2 ज्वाइन प्लान। आप भी उस वीडियो में देख सकते हो, उसने डिटेल में बताया है उसके बारे में कि मेरा डेट वेट जो है। और बाकी थैंक यू फ्रेंड्स, अगर आपको कुछ भी कमेंट करना हो तो आप कमेंट करके पूछ भी सकते हैं, आपको कोई सवाल हो आपका सुझाव हो या आपको और भी कोई इन्फॉर्मेशन पूछनी हो या आपको अपने कोई ऑफर लेना हो या कुछ भी आपको चाहिए हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, हैप्पी गार्डनिंग।